हाँ जी बीबी, जिस तरह की अदोरी पंजाब भारत में ट्रांजिट के फुट नज़र आ रही है, सीटा लै रहे टालो जा रही अपने कैंडीडेट न लै रहे टालो, की कहना चाहते हो? देखो कांग्रेस के लीडर जोड़े है वो सारे कले कले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कोई सीट ऐसी नहीं जी सारे रल के लड़ना चाहते हैं। उसका कारण कई है जी। नंबर एक तो यह भी सा एक अनार से सौ बीमार, ये लोग चाहते सके कि इतने साड़ी पंजाब की सरकार, देखो पंजाब सरकार हो गई, सारे मंत्री सारे एम एल ए टिकटा मंगन, यदा मतलब की है कि वह महसूस कर गए हैं कि पंजाब सरकार फेल हो गई है, इतने किसी की सुनवाई नहीं, किसी का काम नहीं हो रहा, कोई उन्होंने ना एम एल ए लोगों सुनता, ना एम एल ए की कोई मिनिस्टर सुनता, ना कोई मिनिस्टर की सी एम सुनता है। इस वे सारे काम काज ठप होया पाया, लोग ये महसूस करते हैं कि पंजाब सरकार जो बनाई सी झूठे वादे करके, उन्होंने गलों का असर अज लोगों पर बहुत है, किहड़ियां गलों के नाल लोगों से जान ते ओ जवाब देन। सो पंजाब सरकार का फेलियर होने करके हर कोई सोचता कि असीं इत्थों छड्डीए ते किसी तरीके नाल फिर लोगों जो झूठ हो राहुल गांधी ने बोलिया वो झूठ लैके फिर जाइए तो शायद साड़ी कोई सुनवाई हो जाए। पर मैं समझती हाँ कि ये सारे एक दूजे की लत्तां भी खिंचते भी होंगे है, तो एक दूजे डिसिप्लिन भी इस पार्टी कोई नहीं, साड़ी पार्टी का डिसिप्लिन है, साड़ी पार्टी सारी एक होकर चलती है। जिन्हों सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान साहब ने तो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने जिन्हों मोहर लाती जिन्हों तोड़ दिता सारी पार्टी ने सलाह करके और कमेटी सलाह होंगी है फिर कैंडिडेट एलानिया जाता। ये अपने अपने क्योंकि इन्हों का सिस्टम होर तरह का, इन्होंने कोई ना कोई पैसा दे के कोई ना कोई ऐसी लालच दे के वो सीटा लैके आते हैं। तो मैं समझती हाँ कि इन्हों का जो अच्छ इनडिसिप्लिन पार्टी शो हो गई है, ताइयों करके तो पंजाब लोगों का काम नहीं हो रहा, ताइयों लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, ताइ विकास ठप हो स्कीम बंद हो गई, ताइ लोग अच्छ बेहाल हो पे है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। सो मैं समझती हाँ कि लोग अज परेशान है, इस करके ये एक दूजे के खो के राजी। बीबी किस तरह दे दौर जी एक महिला कैंडीडेट जी अपने बीबी ठालड़ा ढाडे मुकाबले किस तरह दे दे उन्होंने तुम चुनाव मैदान? देखो जी लोगों ने देखना पोलीटिकल तजर्बा की है, किड़े कि थान पर किसी ने काम किया और लोगों की होंद की है। ये नहीं कि किसी की औरत है, किसी की जनानी है, किसी की वाइफ है, जो कोई शहीद होया वो वाइफ है। गल ये देखना लोगों ने कि पार्टी कि है, उस पार्टी की कुरबानी की है, उस पार्टी का लोगों देन की है, उस पार्टी ने अज तक वो सरकार ने लोगों की किया। श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 10 साल लगातार, उस सरकार की कीती कार्रवाई वो की कारगुजारी वो किए विकास वो सहूलत वो लिया प्रोजेक्ट जो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की सरकार के सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब का विजन सी और 4 लेन सड़क 6 लेन सड़क हवाई एयरपोर्ट जोड़े बनाए एयरपोर्ट बनाए फिर थर्मल प्लांट लगाए एम्स वर्ग हस्पताल आते सेंट्रल यूनिवर्सिटी आँगी बहुत सारिया यादगार बनाइया हर पिंड हर शहर का व्डे पद्धर से विकास किया और शहर के पिंडा का जोड़ा वो डिफरेंस जो मकया। सो मैं समझती हाँ कि हर शहर के पिंड अज सड़क का जाल विछिया वो मेरा ख्याल है कि लोगों से बड़ा इमेज है और लोग सोचते जो सहूलत से अज बंद हों जा रही हैं जो झूठ बोलिया से अज एक भी वायदा पूरा नहीं होया। इस करके लोगों का ध्यान केवल तो केवल श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी वाले पासे है, दो ही रवायती पार्टियां जो चलती आ रही हैं लोगों का दोवे ही अजा मुकाबला नज़र आता। तीजिया पार्टियां देखो जो ग्रुप होंगे है ज खड़े कौन करता है उन्हें वो पार्टी का संचालक कौन उस पार्टी को कौन चला रहा है उस पार्टी का कि जुड़िया हुआ लिंक है। तो जे वो देखिए तो वो कांग्रेस की बी टीम है वो तो कांग्रेस ने ही खड़ी की है। तो कांग्रेस का जिस जो बंदा 22 साल कांग्रेस में रहा हो जिस व्यक्ति ने पार्टी तैयार की है वो अगवाई कर रहा हो पार्टी कांग्रेस नीतियां से खड़ी हुई है। तो कांग्रेस कौन है जिन्हें बड़े बड़े व्डे साढ़े पंजाब के सिखा के पंजाबियों के जुलम किए हैं। मैं समझती हूँ कि लोग सारी गल चंगी तरह जानते हैं जिस पार्टी ने साडा श्री अकाल साहब वर्गे ढह ढेरी करती है हरिमंदर साहब गोलियां मारती गुरु ग्रंथ साहब दनेक सौ की गिनती
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੀਡਰਲੈਸ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ।